हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल एग्रीकुल टुडे वी विल स्टार्ट दी सब्जेक्ट रूलर सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें लेक्चर वन में हम देखेंगे सोशियोलॉजी एंड रूलर सोशियोलॉजी के बारे में सोशियोलॉजी का मतलब है हम ह्यूमन के बिहेवियर कैसे वो काम करता है क्या उसकी रिलेशंस है पब्लिक में वो देखेंगे एंड रूलर सोशियोलॉजी मींस कि गांव में जो भी प्रॉब्लम्स है सोशल लाइफ है लोगों की वो देखेंगे इसमें हम इसके डिफिनेशंस ब्रांचेस की पॉइंट्स एंड स्कोप सिग्निफिकेंस देखेंगे सो द फर्स्ट वन इज सोशियोलॉजी द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइंड बाय ऑगस्टे कॉम्टे इन 1789 टू 1875 हु इज ऑफन रेफरड टू एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्टे कॉम्टे को हम फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोलते हैं अब सोशोलॉजी डिराइव्ड हुआ है दो वर्ड्स से सोशियो एंड लोगस एंड सोशियो इज और जो सोशियो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है मीन सोसाइटी एंड लोगस ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है मीन साइंस सोशियस लिटरली मीनिंग फ्रेंड कॉम्पेनियन एसोसिएट्स बट इन ब्रॉडर सेंस और सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड वोग मीन्स साइंस या स्टडी करना दस सोशोलॉजी मीन्स बेसिकली एज अ साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी यहाँ पे ये बताया गया है कि सोशोलॉजी एक साइंस है या तो स्टडी ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के बारे में स्टडी करना उनके बारे में जानना उनके बिहेवियर के बारे में जानना ये है सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू रॉगर्स सोशोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ वेज इन विच सोशल एक्सपीरियंसिस फंक्शन इन डेवलपिंग मच्योरिंग रिफ्रेशिंग ह्यूमन बींग्स थ्रू इंटरपर्सनल स्टिमुलेशन द लास्ट पॉइंट इज सोशोलॉजी हमें हेल्प करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इसके वेरियस इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में एंड देयर मैनिफेस्टेशंस मैन सोशल इंटरेक्शन एंड सोशलाइजेशन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी द फर्स्ट वन इज एडुकेशनल सोशियोलॉजी एडुकेशनल सोशियोलॉजी भी एक ब्रांच है सोशियोलॉजिकल जो कि डील करता है एजुकेशन पे एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन हमारे सोसाइटी में उसके प्रिंसिपल्स मेथड्स के बारे में जानना कैसा एडुकेशन काम करती है फॉर दी वेरियस सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स जो भी सोसाइटी में चल रही है उस पर वर्क करता है दी सेकेंड वन इज़ सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट इसका मतलब है कि ये भी एक ब्रांच है सोशोलॉजी का डेवलपमेंट ऑफ़ सोशोलॉजी का मतलब है स्टडी करना कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज इकोनॉमिक चेंज जो भी सोसाइटी में हो रहा है जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में जानना और उसकी स्टडी करना इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी द थर्ड वन इज सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन में आपका इंक्लूड होता है स्टडी करना ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विद इन दी कोई एक रीजनल इन्वाट में कोई एक रीजनल जो भी चीजें हैं पर्टिकुलर रीजन में उसका स्टडी करना उसके बारे में जाननालॉजी सोशल साइकोलॉजी इसका मतलब है कि ये एक सोशल साइंस जो कि मेनली कंसनट्रेट करता है पीपल के थॉट्स पे बिहेवियर्स में उसके बारे में डीपली वो जान रहा है पढ़ता है इसको बोलते हैं साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी द फिफ्थ वन इज सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज अब सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में आपका जनरली कंसर्न हम करते हैं रिलेशनशिप ऑफ नॉलेज टू अ सोशल बेस मीन्स वॉट इज मेन्ंड बाई दॉलेज एंड उसके बारे में जानना लाइक like कोई ऑथर है उसके बारे में जानना उन्होंने जो बुक लिखी होगी डीपली डीपली पढ़ाई करना उसका एंड अब देखेंगे सोशोलॉजी ऑफ लॉ सो सोशोलॉजी ऑफ लॉ का मतलब है ये स्टडीज करते जनरली आपका सोशल प्री कंडीशंस ऑफ द लॉ जस्टिस सिस्टम पे उसके इफेक्ट्स पे जो कि सोसाइटी पे हो रही है उसके बारे में स्टडी करना द लास्ट वन इज़ मेडिकल सोशियोलॉजी मेडिकल सोशियोलॉजी जनरली मेडिकल हम समझ रहे हैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड उसके बारे में नॉलेज गेन करना एंड पढ़ाई करना उसके बारे में इंटरेक्शंस करना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से एंड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना इसको बोलते हैं मेडिकल सोशियोलॉजी अब हम देखेंगे की पॉइंट्स ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट वन इज साइंस ऑफ सोसाइटी सेकेंड इज साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप थर्ड इज़ स्टडी ऑफ सोशल लाइफ फोर्थ इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स फिफ्थ इज स्टडी ऑफ सोशल एक्शन वन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया जब सोशोलॉजी का जो फील्ड है वो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही लिमिटेड हो तो क्या क्या होते हैं सबसे पहले अर्बन सोशोलॉजी जो अर्बन पीपल के साथ डील करते हैं सेकेंड इज रूर सोशोलॉजी जो रूरल पीपल के बारे में डील करते हैं एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी डीलिंग विद इंडस्ट्रियल पीपल सबसे पहले रूरल सोशोलॉजी ये क्या होता है अभी हम देखेंगे सोशोलॉजी का मतलब है कि स्टडी करना पर्सन्स को जो भी है सोसाइटी में उनके बारे में जानना उनके बिहेवियर को जानना तो रूलर सोशोलॉजी का मतलब है रूलर का मतलब गांव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है चीज़ें हैं लोग हैं वहाँ पे उनके बारे में जानना उनको नॉलेज प्रोवाइड करना गेन करना उनसे भी नॉलेज एंड हम भी उनको नॉलेज दे सकते हैं The first point is ruler sociology is a branch of sociology. It is made up of two terms: ruler and sociology, that is the science of ruler society. It is the study of sociology of life in the ruler environment. life ruler environment which systematically studies the ruler communities to discover their conditions and tendencies. एंड फार्मूलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेस एज द टर्म एम्प्लाइज सब खुद जानते हैं उनके कंडीशन उनके टेंडेंसीज क्या क्या है देन प्रिंसिपल्स प्रोग्रेस करते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम देखते हैं रूरल सोशोलॉजी के अंदर सबसे पहले स्टैंडर्सन ने डिफाइन करा था रूरल सोशोलॉजी इज द सोशोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ इन द रूरल इन्वामेंट सेकेंड इज वर्ड ट्रेंड Defined, rural sociology is the study of human relationship in rural environment. Third is F. Stan Champion has defined the sociology of rural life is the study of rural population, rural social organization, and the social processes operative in rural society. The next slide is scope of rural sociology. स्कोप का मतलब है हम क्या क्या कर सकते हैं रूरल सोशोलॉजी के अंदर फर्स्ट इज़ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ सोशल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर एग्रीकल्चर एंड रूलर इकोनॉमी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी है जो भी रूलर गांव में हो रहा है एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड चीज़ें हम कर सकते हैं रूरल अर्बन रिलेशंस देख सकते हैं रूरल एडुकेशन पे ध्यान दे सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं रूरल सोशल सोशल इश्यूज को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है गांव में क्या नहीं है क्या इनोवेशन की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन रूरल एरियाज़ किस चीज़ की कमी हो रही है कोई भी फार्मर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्हें क्या चीज़ ज़रूरत है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है न्यू न्यू इनोवेशन प्रोवाइड करना रूरल एरियाज़ में सेवेंथ इज सोशल नेटवर्क एंड सोशल कैपिटल नेटवर्क्स देखना एंड उनकी कैपिटल देखना कि वो कितना कमा पा रहे हैं कितना नहीं कमा पा रहे हैं ये सारी चीज़ है एंड द लास्ट इज सोशल चेंज इन रूरल एरियाज कुछ चेंजेस करना रूरल एरियाज में अब देखेंगे एक्सटेंशन एडुकेशन तो द वर्ड एक्सटेंशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन एक्स मीनिंग आउट एंड टेंशन मीनिंग स्ट्रेचिंग इट मीन्स स्ट्रैचिंग आउट इट मीन्स एजुकेशन को स्ट्रैचिंग आउट करना मतलब आगे बढ़ाना दर्म एक्सटेंशन एडुकेशन मीन्स द टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज स्ट्रेस्ड आउट स्ट्रेस्ड आउट इन टू द विलेजि विजि में एजुकेशन प्रोवाइड करना एंड फील्ड बियोन्ड द लिमिट ऑफ स्कूल कॉलेजिज टू विच फॉर्मल टाइप ऑफ एडुकेशन इज नॉर्मली कॉम्फाइंड एक लिमिट तक ही नहीं प्रोवाइड करना एडुकेशन को लाइक स्कूल्स और कॉलेज में उससे बढ़ के भी आगे भी हमें लोगों को एडुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि उन्हें नॉलेज गेन हो इन अदर वर्ड्स द वर्ड एक्सटेंशन यूज इन दिस कॉन्टेक्सट सिग्निफाइज एंड आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ़ एडुकेशन लास्ट पॉइंट इज एक्सटेंशन एडुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल हाउ टू लिव बेटर बाई लर्निंग वेज दैट इम्प्रूव देयर फार्म होम कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन एडुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम टीच करते हैं रूरल पीपल को कैसे वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सके इम्प्रूव कर सके अपने फार्म को होम को एंड जो भी उनका रहने का तरीका है उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके द लास्ट इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशोलॉजी एंड एक्सटेंशन सोशोलॉजी दोनों में रिलेशनशिप क्या है सबसे पहले रूरल सोशोलॉजी हम देखेंगे इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ रूर सोश सोसाइटी ये एक साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना रूरल सोसाइटी के बारे में ये स्टडी करता है कि रूरल एरिया में पीपल कैसे रहते हैं एंड वर्क करते हैं उसके कम्युनिटीज। थर्ड इज़ स्टडीज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल फोर्थ इज़ इट एनाल सोशल रिलेशनशिप ऑफ़ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल लीडरशिप इन रूरल एरियाज एनालाइज करता है ये रूरल सोशल रिलेशनशिप, ग्रुप ऑर्गेनाइजेश को एनालाइज करता है।, है उसके बारे में

पीपल जो भी हैं उन्हें हम एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तरीके से इट यूज दिस नॉलेज टू फिगर आउट हाउ टू हेल्प रूरल कम्युनिटीज इम्प्रूव ये नॉलेज यूज करके हम देखते हैं कि हम रूरल कम्युनिटीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे उन्हें बढ़ा सकते हैं थर्ड इज़ सीक्स टू मॉडिफाई और चेंज फॉर बेटर एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ रूरल पीपल ये मॉडिफिकेशन चाहता है एंड चेंज फॉर बेटर एटीट्यूड बिहेवियर ऑफ़ रूरल पीपल इट यूटिलाईज विलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप फॉर फेवरेबल प्रोसेस ये यूटिलाइज करता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन को एंड लीडरशिप फेवरेबल प्रोसेस के लिए द लास्ट इज इट स्टडीज दीज प्रॉब्लम्स विध रेफरेंस टू इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सटेंशन वर्क इन विजेस ये स्टडी करता है विलेज के प्रॉब्लम्स को विथ रेफरेंस टू इट्स इम्पैक्ट क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन एक्सटेंशन वर्क ऑन विलेजेस सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट स्टे कनेक्टेड